नोटबंदी के बाद लगभग स्थिति, महंगाई के बाद दुनिया हिंदुस्तान खत्म की स्थिति हो गई। संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर, आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खासतौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी चाहे वो मेडिकल हो, BMS हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहाँ पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों और 14.5 करोड़ की आबादी है बिहार। आश्चर्य होगा, बेसिक स्थिति एक तो पहले आप समझिए कि इस बिहार और यूपी से बाहर लोगों की मानसिकता, यूथ की मानसिकता रोजगार की भी है, नौकरी से अलग है। क्योंकि अन स्टेटों में जो बड़ा डेवलपर स्टेट है वहां पर रोजगार करने वाले को सरकार भी तवज्जो देती है, समाज भी रेस्पेक्ट देता है, व्यवस्था भी रेस्पेक्ट देती है। यूपी बिहार में क्या है कि 6,000 की नौकरी हम करेंगे तो रेस्पेक्ट भी उसी को मिलेगा, समाज भी मान्यता उन्हीं को देती है और परिवार का भी भेजी उन्हीं के लिए। यदि हम 1,00,000 रुपया कमाते हैं, 2,00,000 रुपया कमाते हैं तो उसका रेस्पेक्ट ना तो सिस्टम देती है, ना सरकार उसको और बैंकिंग सिस्टम से भी तवज्जो मिलता है और ना समाज देती है। तो यूथ को लगता है कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट, ये दो चीज उनके पास। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है, आप इसको एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, अन्ना सरकार के पास इकोनॉमी है तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी। सबसे बड़ा मुद्दा जीवन यापन का है, रोजगार का है, जिंदगी जीने का। हमको आश्चर्य लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढिंढोरा पीटने वाली कंट्री पूरी दुनिया में, अब मूल्यों और अध्यात्म पर, संस्कृति पर जीने वाली कंट्री कहा गया। 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों और 14.5 करोड़ की आबादी है बिहार। आश्चर्य होगा, बेसिक स्थिति एक तो पहले आप समझिए कि इस बिहार और यूपी से बाहर लोगों की मानसिकता, यूथ की मानसिकता रोजगार की भी है, नौकरी से अलग है। क्योंकि अन स्टेटों में जो बड़ा डेवलपर स्टेट है वहां पर रोजगार करने वाले को सरकार भी तवज्जो देती है, समाज भी रेस्पेक्ट देता है, व्यवस्था भी रेस्पेक्ट देती है। यूपी बिहार में क्या है कि 6,000 की नौकरी हम करेंगे तो रेस्पेक्ट भी उसी को मिलेगा, समाज भी मान्यता उन्हीं को देती है और परिवार का भी भेजी उन्हीं के लिए। यदि हम 1,00,000 रुपया कमाते हैं, 2,00,000 रुपया कमाते हैं तो उसका रेस्पेक्ट ना तो सिस्टम देती है, ना सरकार उसको और बैंकिंग सिस्टम से भी तवज्जो मिलता है और ना समाज देती है। तो यूथ को लगता है कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट, ये दो चीज उनके पास। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है, आप इसको एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, अन्ना सरकार के पास इकोनॉमी है, कहां से आप जो आप उठा करके देख लीजिए, संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर, आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खासतौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी चाहे वो मेडिकल हो, BMS हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहां पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। कोई भी नौकरी संविदा को प्राथमिकता देती है। अब एक तो सरकार संविदा पर लेती है और दूसरी तरफ इनके पास आम
सिंह कितना मैक्सिमम 12,000, 13,000, 14,000 जाते जाते सम तोड़ने लगती है। 18,000 के ऊपर कोई सख्त नौकरी वर्तमान समय में यदि हम आर्मी बैंक रेलवे को छोड़ दें और सिपाही को, तो वर्तमान समय में लगभग 18,000 से नीचे से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 18,000 रुपया 12,000 रुपया में क्या लोग जिएगा, परिवार कैसे जिएगा, ये MLA MP को बताना चाहिए, मंत्री संतरी को, सबको, कि उसकी फैमिली कैसे जीती है। बिजली अब चार्जेबल बिजली हो गई। अब असल आपको ये है कि जो एवोल्यूशन बिजली का पहले आता था मैनुअल, अब आज अब मैनुअल खत्म कर दिए। अब आप सोचिए कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है तो चार्ज होने के बाद एक महीने तक पता नहीं चलता है कि बिजली कब मिलेगी, और नहीं तब भी एक महीने के बाद समय नहीं है निर्धारित, और उसके बाद अब चार्ज खत्म हो गया ये भी पता नहीं। तो चारों तरफ से अच्छा, नोटबंदी के बाद लगभग स्थिति, महंगाई के बाद दुनिया हिंदुस्तान खत्म की स्थिति हो गई है। तो उसमें जो बेसिक यूथ है क्या करेगा इसको समझिए। अब जो मामला इन लोगों का है, एक स्थिति मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसी, तो एक पहले बैठा था बीटीटी था क्या क्या था, सभी लोगों का लगभग स्थिति यही है। अब जो 80,000 का मामला हो या 1,00,000 का मामला, तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी, अर्थ की कमी। सरकार बिरली के खोता को अब ढेपा नहीं मारना, छेड़ना नहीं चाहती, उसको लगता है कि हम दे देंगे कल सारा डिमांड, ये जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें लाई गई है कि किन किन चीजों पर हम नौकरी देंगे, कैसे हमारा होगा, कल के दिन हमको लेकर के ये लोग कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो सरकार बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके वैकेंसी भी निकालती है, पैसा भी ले लेती है, करोड़ों अरबों रुपया ले लेने के बाद फिर वो पैसा सरकार का हो जाता है, लौटता नहीं है। अब जैसे 12 सालों से जब वो 38,000 मैंने वो जिसको वैकेंसी भी नहीं थी सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। SSC का मामला, तो SSC का मामला है, और भी कई मामले हैं। तो अभी जो हमारे भाई लोग बोल रहे हैं वो कि मेरिट को छोड़ दीजिए और प्रतियोगिता ले लीजिए, आप मैट्रिक का जो उसको छोड़ दीजिए, और जो प्रतियोगिता आप देख के मेरिट में आए हैं उसको आप लीजिए। सच्चाई यही है कि प्रतियोगिता वाला ही बेसिक जब आप UPSC BPSC SSC या अन्य का आप लेते हैं और उनको आप नहीं रखे हुए हैं उस कैटेगरी में, तो फिर टीचर्स को भी तो आपको कम से कम प्रतियोगिता भी देना चाहिए। तो इनका जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है, और मैं समझता हूँ कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार कंप्लीट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल, शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा, मतलब जो हालात है एजुकेशन पर, न तो बजट है न तो हेल्थ पर बजट है, न एजुकेशन की गरिमा है, 8,400 हाईस्कूल नहीं है, लगभग मिडिल स्कूल 5,500 के ऊपर हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है अभी तक नहीं है किसी भी पंचायत, और हाई स्कूल भी नहीं, तो 6,000 हाई स्कूल नहीं होना, और जितनी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है और वो टेक्निकल एजुकेशन अभी तक नहीं हुआ, का कोई भी कॉलेज नहीं खुलता है, फैकल्टी का टीचर नहीं बाहर होती है, जो फैकल्टी हम पढ़ेंगे उस फैकल्टी का टीचर नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, अन्य जगहों पर जहाँ भी बड़ा बड़ा मकान बना दिया ठेकेदारी हो गई, स्कूल में जाकर के लोहा का केवारी लगा दिया ठेकेदारी हो गई, टीचर्स का तो वैल्यू नहीं। तो वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात होती है, वन नेशन की बात होती है, और क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है। अभी जो सर्वे आया उसमें इंटर तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे
मैथ और विज्ञान को नहीं जानता, भारत सरकार जो कर रहा है बेसिक नॉलेज ही नहीं है। और जो उस वक्त जिसके पास मार्क्स कम था, अब तो मार्क्स को बढ़ा के दिया जा रहा है पास करवाने के लिए, अब उस वक्त मार्क्स बहुत कम था, अब आपको ही बोल रहा है। तो स्थिति में मेरा सिर्फ इतना सरकार से है, आप लोग पूछते रहिएगा कि आपकी संख्या थोड़ी बढ़े, इतने होने के बावजूद लड़ने का जज्बा आपके भीतर नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संख्या जिसके पास डर वहां रहता है, बिना ताकत के भय प्रीत कहावत नहीं है, बिन भय प्रीत ना हो। तो ये महाभारत के और रामायण के काल में भी था।